नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ सरिता। विधानसभा चुनाव की धूम पांचों राज्यों उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा में मची हुई है और सभी राजनीतिक पार्टियां इन चुनावी क्षेत्रों में अपने अपने तरीकों से चुनावी प्रचार प्रसार करके यहां की जनता को अपनी पार्टी की ओर करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। क्या है वो दावा, चलिए आपको बताते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना बिगुल बजा दिया है। चुनावी मैदान में अंत तक कौन टिकेगा, इसको लेकर कांग्रेस ने भविष्यवाणी की है। कांग्रेस ने दावा किया है कि चुनावी वाले पांच राज्यों में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है, जिसके समीकरण को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि कांग्रेस ने बीजेपी के षड्यंत्र को वोट की चोट से हराने का प्लान बनाया है। कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जनता बीजेपी के अत्याचारों से त्रस्त हो चुकी है। बीजेपी ने हर राज्य में दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार किया है और जब बीजेपी का दिल इससे भी नहीं भरा तो आम जनता को रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल और महंगाई को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। बीजेपी ने ये सब केवल कुछ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया है, इसलिए आम जनता इस समय कांग्रेस को अपना मत देने के लिए तैयार है। इसी के साथ कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने कांग्रेस के प्लान को लेकर कहा है कि कांग्रेस पांच राज्यों में से चार राज्यों में अपने दम पर सरकार बनाएगी। इस समय अगर यूपी विधानसभा चुनाव को देखे तो साफ है कि अगर किसी को सरकार बनानी है तो वो कांग्रेस के साथ ही सरकार बना सकते हैं। अब हम आपको कांग्रेस की उन रणनीति के बारे में बताएंगे जिस पर कांग्रेस अपनी रणनीति करने जा रही है। पंजाब को लेकर सुरजेवाला ने कहा है कि पंजाब में कांग्रेस तीन चेहरों पर चुनाव लड़ेगी। पहला चेहरा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का होगा क्योंकि चन्नी को जनता का प्यार मिल रहा है। दूसरा चेहरा नवजोत सिंह सिद्धू का होगा और तीसरा चेहरा सुनील जाखड़ का होगा। आगे सुरजेवाला ने गोवा के बारे में बात करते हुए कहा है कि गोवा में बीजेपी ने बहुमत का अपमान कर सरकार बनाई थी। लोग भ्रष्ट बीजेपी सरकार को हटाने के लिए जाति और धर्म के बंटवारे से ऊपर उठकर कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं। आगे सुरजेवाला ने उत्तराखंड में बीजेपी सरकार को लेकर बड़ा तंज कसा और कहा उत्तराखंड में बीजेपी की हालत ऐसी है कि उसे तीन बार मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, लेकिन कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड की देवभूमि में नया सूर्योदय लाएगी। खैर, चुनाव को लेकर सभी पार्टियां और प्रत्याशी अपना अपना दावा ठोक रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला तो जनता के हाथों में ही है। जिस तरह से कांग्रेस ने दावा किया है तो यह देखना दिलचस्प होगा कि पांचों राज्यों में से कांग्रेस अपना झंडा कितने राज्यों में फहरा पाएगी। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे और इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए द न्यूज़ 15 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।